ओके सो अब हम देखते हैं डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशंस, ठीक है। डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशंस का दूसरा नाम है एक्सटेंसर हुड, ठीक है। ये बेसिकली एक्सटेंसर एक्सपेंशंस होती हैं, ठीक है, यानी आपके एक्सटेंसर मसल्स के कुछ एक्सपेंशंस हैं, ठीक है, कुछ एक्सपेंडिंग पार्ट्स हैं आपके एक्सटेंसर मसल्स के, ठीक है। इसलिए हमने इनको कह दिया कि दीज आर एक्सटेंसर एक्सपेंशंस या डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन या एक्सटेंसर हुड, ठीक है। बेसिकली होती क्या है, ये स्मॉल ट्राइंगुलर एपिनोरोसिस है, ठीक है, जो कि रिलेटेड होता है आपके एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल के टेंडन के साथ, ठीक है। ये आपके जो स्मॉल ट्राइंगुलर एपिनोरोसिस यानी आपके जो डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशंस हैं, ये आपके जो आप प्रॉक्सिमल फैलिंग्स होते हैं ना उससे कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं आपके ट्राइंगुलर इन शेप होते हैं एक्सटेंशन एक्सपेंशंस, ठीक है, और ये आपके प्रॉक्सिमल फैलिंग्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब फिंगर्स में से है, ये ट्राइंगुलर इन शेप है और प्रॉक्सिमल फैलिंग्स को कवर कर रहे हैं एक्सटेंसर एक्सपेंशंस, ठीक है। अब हमारे पास वो आगे कहता है कि बेसिकली ये जो एक्सटेंसर एक्सपेंशंस हैं ये कहाँ से शुरू होती हैं, आपकी जो बेस है, आपकी जो बेस है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स का, ठीक है, वहाँ से ये शुरू हो रही है। ये देखें यहाँ पे आपके नीचे ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है और इस एक्सटेंसर एक्सपेंशन की बेस भी यहीं से शुरू हो रही है, ठीक है। ये हर जगह ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है, ठीक है, इसके नीचे, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली इस एक्सटेंसर एक्सपेंशन की बेस बन रही है, ठीक है, और जिसकी एपेक्स है दिस वन, ये एपेक्स कहाँ तक जाती है, ये बेसिकली आपकी जा रही है इनटू योर डिस्टल सॉरी प्रॉक्सिमल फैरिंग्स से थोड़ा सा ऊपर जो है ये एक्सटेंड करती है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे कि आपकी बेसिकली अगर आप देखें तो ये आपकी जो प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है ना उससे थोड़ा सा ऊपर इनटू योर मिडल फैलिंग्स जो है इसकी एपेक्स थोड़ी एक्सटेंड करती है। जो पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर्स हैं आप देखें अगर इस एक्सटेंसर एक्सपेंशन के, तो ये कुछ टेंडेंस के साथ, कुछ इंट्रोशिया मसल के साथ, ठीक है, इंट्रोशिया मसल के टेंडन्स के साथ और कुछ लम्ब्राइकल मसल्स के साथ जो है ना ये अटैच रहते हैं। ये देखें कुछ लम्ब्राइकल मसल्स हो गए, कुछ इंट्रोशिया मसल्स के साथ, ठीक है, उनके टेंडन्स के साथ जो है आपकी जो पोस्टीरियर लैटरल कॉर्नर्स होते हैं एक्सटेंसर एक्सपेंशन के वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जो कॉर्नर्स हैं बेसिकली ये अटैच्ड होते हैं आपके डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट्स के साथ, ठीक है। जो पॉइंट है आपके अटैचमेंट ऑफ इन इंट्रोशिया और लम्ब्राइकल्स का, इनको हम मोस्ट ऑफनली कहते हैं इन इंट्रोशिया और लम्ब्राइकल्स के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू दीज पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर्स, इनको हम मोस्टली विंग टेंडन्स कहते हैं, ठीक है, इनको विंग टेंडन्स कहते हैं, ठीक है। ये है विंग टेंडन्स, आई होप आपको ये क्लियर है, विंग टेंडन्स है ये, ठीक है। जो आपका प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है उसके करीब क्या होता है, ये है आपका प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है, उसके करीब एक्सटेंसर टेंडन जो है वो डिवाइड कर जाता है इनटू सेंट्रल स्लिप। ये आपको सेंटर में एक स्लिप जाती हुई नज़र आ रही है, सेंट्रल स्लिप एंड इनटू द उसके साथ है आपके पास कोलैटरल स्लिप्स, ये है साइड पे कोलैटरल स्लिप, ये सेंट्रल स्लिप और कोलैटरल स्लिप, ठीक है। तो हमने देख लिया कि इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के करीब आपको एक्सटेंसर टेंडन एक्सटेंसर एक्सपेंशन की बात नहीं हो रही, जो एक्सटेंसर टेंडन नीचे से आ रहा है वो डिवाइड हो जाता है इनटू सेंट्रल स्लिप एंड द टू कोलैटरल स्लिप्स, ठीक है। जो सेंट्रल स्लिप है वो तो ज्वाइन हो जाता है अपने कुछ फाइबर्स के साथ, ठीक है, विद द मार्जिन ऑफ द एक्सपेंशन, ठीक है, और वो क्रॉस कर जाता है टू द फ्रॉम द दिस प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और ये इंसर्ट हो जाता है तो द डॉर्सम ऑफ द बेस ऑफ द मिडल फिलिंग्स, ठीक है, मिडल फिलिंग्स की डॉर्सम की बेस पे ये आपको नज़र आ रही है जो है यहाँ से एक्सटेंड होकर इंसर्ट कर गया, ठीक है। ये देखें उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो दोनों कोलैटरल स्लिप्स हैं ना, ये कोलैटरल स्लिप्स ये ज्वाइन कर जाते हैं बाय द रिमेनिंग थिक मार्जिन ऑफ दीज एक्सटेंसर एक्सपेंशंस, ठीक है, इनके साथ ये ज्वाइन कर गए, ठीक है। उसके बाद ये आपस में ज्वाइन कर जाते हैं या तो और फिर आपस में ये ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है, इस तरह से ये ज्वाइन कर गए आपस में, ठीक है, और फाइनली ये इंसर्ट हो जाते हैं ऑन द डॉर्सम ऑफ द बेस ऑफ डिस्टल फेलिंग्स, आपस में भी ज्वाइन करके और डिस्टल फेलिंग्स के डॉर्सम पे जो बेसिकली डिस्टल फेलिंग्स की बेस है वहाँ पे जाके ये इंसर्ट करके, ठीक है। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट और जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हैं यहाँ पे जो एक्सटेंसर एक्सपेंशंस बनते हैं बेसिकली या आपके जो जॉइंट्स के कैप्सूल्स हैं ना फाइबर्स कैप्सूल उनके डॉर्सल पार्ट्स बना रहे होते हैं, ठीक है।
मैंने क्या कहा कि जो आपके मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स ये वाले और जो आपके ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सटेंसर एक्सपेंशंस हैं ये क्या बना रहे होते हैं, ये आपके जो जॉइंट्स के फाइब्रस कैप्सूल्स का डॉर्सल पार्ट है ना, बेसिकली वो बना रहे होते हैं ये एक्सटेंसर एक्सपेंशंस, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ रेटिनैकुलर लिगामेंट्स या लिंक लिगामेंट्स होते हैं जो कि कहाँ से एक्सटेंड करते हैं, आपके प्रॉक्सिमल फेलिंग्स की साइड से एक्सटेंड करते हैं। यह है आपका प्रॉक्सिमल फेलिंग्स। प्रॉक्सिमल फेलिंग्स के साइड से कुछ रेटिनैकुलर लिगामेंट्स या लिंक लिगामेंट्स एक्सटेंड करते हैं और हमारे पास फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ बना लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास जो आपके मार्जिन्स हैं एक्सटेंसर एक्सपेंशन के वहाँ तक पहुँचती है और वहाँ से फिर बेस ऑफ डिस्टल फेलिंग्स तक पहुँचती हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई है। अब हमारे पास ना ये कुछ मसल्स जो आप देख सकते हैं इन विंग टेंडन्स के साथ और ये जो आपके पोस्टीरियर लेटरल कॉर्नर्स हैं बेसिकली इन एक्सटेंसर एक्सपेंशन के साथ जो मसल्स हैं ना वो सारे इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, हर हर फिंगर के साथ जो जो मसल अटैच हैं, जैसे इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग और लिटल फिंगर के साथ हर मसल डिफरेंट मसल्स अटैच हैं हर फिंगर के साथ, तो वो इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है हमारे पास यहाँ पे आ जाता है पुष्टि, अब नर्व्स कर लेते हैं, सॉरी पाल्मर स्पेसिस ऑफ हैंड तो हमने किया ही नहीं, स्पेसिस ऑफ हैंड में ना आप लोगों ने जी ये है आपके पास स्पेसिस ऑफ हैंड वाला टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कुछ पाल्मर स्पेसिस होते हैं, कुछ आपके पास डॉर्सल स्पेसिस होते हैं, कुछ आपके फोरआर्म स्पेस ऑफ कोरोना होता है। पाल्मर स्पेसिस जो आपके पाम में होते हैं उनमें आपके पास एक है पल्प स्पेस ऑफ फिंगर है, दूसरा मिड पाल्मर स्पेस है और तीसरा थिनार स्पेस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डॉर्सल स्पेस होता है, डॉर्सल स्पेसिस में आपके पास डॉर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस और डॉर्सल सबएपिनोरोटिक स्पेस होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो फोरआर्म स्पेस है कोरोना, फोरआर्म जो स्पेस है उसे आप कहते हैं द फोरआर्म स्पेस ऑफ कोरोना, ठीक है। पहले हम देखते हैं सबसे पहले पाल्मर स्पेसेस, पाल्मर स्पेसेस में सबसे पहली स्पेस है पल्प स्पेस ऑफ फिंगर्स, ठीक है। ये बेसिकली आपकी जो फिंगर्स की टिप्स हैं और जो आपकी बेसिकली थंब और जो फिंगर्स की टिप्स हैं उनमें जो सबक्यूटेनियस फैट पड़ा होता है ना, जब वो टाइट कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में अरेंज हो जाता है बाय द फाइब्रस सेप्टास, तो हमारे पास तब ये स्पेस बनती है पल्प स्पेस ऑफ फिंगर्स, ठीक है। अब ये बेसिकली पास करती है आपकी जो जो सेप्टास हैं जो ये स्पेसेस बना रही हैं, ये सेप्टास कहाँ से शुरू होती हैं, आपकी स्किन से शुरू हो रही होती हैं और ये आपकी जो टर्मिनल फेलिंग्स की पेरियोस्टियम है वहाँ तक एक्सटेंड करती हैं, ठीक है। अगर इन केस पल्स स्पेस ऑफ फिंगर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से जो कंडीशन है दैट इज़ कॉल्ड विटलो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, ठीक है, पल्स स्पेस ऑफ फिंगर का विटलो, ठीक है। अब इन्फेक्शन अगर हो गया पल्स स्पेस में यानी विटलो हो गया, ठीक है, तो उसको हम ड्रेन कैसे करते हैं, हम ना लैटरल इंसीजन देते हैं और उससे हम फिर ड्रेन करते हैं पल्स स्पेस में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। अब हम जब लैटरल इंसीजन देते हैं बेसिकली लैटरल इंसीजन देने से आपके जो टेक्टाइल टिश्यूज़ हैं वो डैमेज नहीं हो जाते जो आपके फिंगर्स के सामने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम विटलो को सीरियस ना लें, ठीक है, उससे छोड़ दें ऐसे ही, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो डिस्टल 4/5 जो है आपकी टर्मिनल फेलिंग्स वो उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है, ड्यू टू द एक्लूजन ऑफ वेसल्स, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी प्रॉक्सिमल 1/5 है, ठीक है, यानी जो एपिफाइसिस वाली जगह है वो वहाँ पर नेक्रोसिस नहीं होगी, क्यों क्यों, क्योंकि वो जो जगह है उसकी आर्टरी जो है वो इन फाइब्रस सेप्टास को ट्रावर्स नहीं करती, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है। मिड पाल्मर स्पेस अब और थिनार स्पेस जो बाकी दो स्पेसेस हैं बेसिकली इन पाल्मर स्पेसेस में, ठीक है, एक स्पेस थी पल्स स्पेस ऑफ फिंगर वो हमने पढ़ ली, मिड पाल्मर और थिनार स्पेस आपने इस डायग्राम से करनी है, ठीक है, ये जो यहाँ पे टेबल बना हुआ है वहाँ से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मिड पाल्मर और थिनार दोनों ट्राइंगुलर स्पेसेस हैं, ठीक है। जो मिड पाल्मर है ये आपकी हॉल ऑफ पाम के इनर साइड पर प्रेजेंट होता है और जो थिनार है ये हॉल ऑफ पाम के आउटर साइड पर, ठीक है। एक्सटेंट अगर हम देखें मिड पाल्मर का तो ये बेसिकली प्रॉक्सिमली एक्सटेंड करता है डिस्टल मार्जिन ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से, और थिनार स्पेस भी प्रॉक्सिमली एक्सटेंड करता है आपके जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का डिस्टल मार्जिन है वहाँ से। इसके बाद जो अगर डिस्टल अटैचमेंट देखें हम मिड पाल्मर स्पेस की, तो उसमें हमारे पास डिस्टल पाल्मर क्लीज तक ये स्पेस जो एक्सटेंड करती है, और लेकिन जो थिनार स्पेस है ये प्रॉक्सिमल ट्रांसवर्स पाल्मर क्लीज तक जो है वो एक्सटेंड करती है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है मिड पाल्मर स्पेस की, प्रॉक्सिमली ये कम्युनिकेट करती है आपकी फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना के साथ, ये भी थिनार भी आपकी प्रॉक्सिमली इसी फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना के साथ ही कम्युनिकेट करती है, लेकिन डिस्टली आपके पास जो मिड पाल्मर स्पेस है ये थर्ड और फोर्थ लैम्ब्रिकल्स के साथ, थर्ड और फोर्थ लैम्ब्रिकल्स की जो फेशियल शीथ्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करती है, ठीक है।
लेकिन आपकी जो थिनार है ये फर्स्ट लम्ब्राइकल की फेशियल सीट्स के साथ कम्युनिकेट करती है, ठीक है। बाउंड्रीज अगर हम देखें तो एंटीरियरली हमारे पास मिड पाल्मर स्पेस में थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फिंगर्स के फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास थिनार स्पेस में एंटीरियरली हमारे पास सिर्फ इंडेक्स फिंगर के फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंटीरियरली मिड पाल्मर स्पेस में सेकेंड थर्ड फोर्थ लम्ब्राइकल होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट लम्ब्राइकल होता है थिनार स्पेस में, ठीक है। और हमारे पास पाल्मर या फिर न्यूरोसिस दोनों में होता है। इसके अलावा ना एंटीरियरली अगर थिनार स्पेस में देखें तो आपको शॉर्ट मसल्स ऑफ थंग भी नजर आते हैं, ठीक है। बाउंड्रीज अगर हम देखें पोस्टीरियर बाउंड्री इस मिड पाल्मर स्पेस की, तो वो बन रही होती है इंट्रोशिया और मेटाकार्पल्स को कवर करने वाली फेशिया से। यहाँ पे जो पोस्टीरियर बाउंड्री है वो बन रही होती है बाय द एडक्टर पोलिस के ट्रांसवर्स हेड से, ठीक है। और जो आपकी लैटरल बाउंड्री है इन मिड पाल्मर स्पेस, वो पाल्मर सेप्टम जो इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम होता है उससे बनती है। और जो आपकी थिनार स्पेस की लैटरल बाउंड्री है वो बनती है बाय द लैटरल पाल्मर सेप्टम। और जो इसके अलावा आपकी फ्लेक्सर पॉलिसस लॉन्गस का टेंडन है लॉन्ग विद रेडियल पर्सा, वो भी बनाता है आपकी इस थिनार स्पेस की लैटरल बाउंड्री, ठीक है। फिर हमारे पास जो मीडियल बाउंड्री है मिड पाल्मर स्पेस की, वो मीडियल पाल्मर सेप्टम से बनती है। और जो थिनार स्पेस की मीडियल बाउंड्री है वो आपकी इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम से बनती है, ठीक है। अब ड्रेनेज अगर हम देखें मिड पाल्मर स्पेस को कैसे ड्रेन किया जा सकता है, तो हम थर्ड और फोर्थ वेब स्पेस में इंसिजन करके इस मिड पाल्मर स्पेस में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए उसे ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो थिनार स्पेस है उसमें ड्रेनेज हम किस तरह से करते हैं, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए हम फर्स्ट वेब जो है उसकी इंसिजन करते हैं, ठीक है, पोस्टीरियरली, और उससे फिर हम जो है वो इन्फेक्शन जो जो भी होगा वो ड्रेन कर लेंगे, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं डॉर्सल स्पेसेस। डॉर्सल स्पेसेस में हमने देखा था दो होती हैं, डॉर्सल सबक्यूटेनियस एंड डॉर्सल सब एपिग्लॉटिक, ठीक है। डॉर्सल सबक्यूटेनियस जो है ये बेसिकली आपकी जो डॉर्सम ऑफ हैंड की लूज स्किन है ना उसके बिल्कुल नीचे आपको नजर आएगी, ठीक है। लेकिन जो आपकी डॉर्सल सब एपिनोरोटिक स्पेस है वो आपको मेटाकार्पल बोन और जो आपके एक्सटेंसर टेंडन्स हैं उनके दरमियान नजर आएगी, ठीक है। बेसिकली ये यूनाइटेड होते हैं विद वन अदर बाय थिन एपिनोरोसिस, और इस जगह पे ही आपको जो है सब एपिनोरोटिक स्पेस भी नज़र आती है, ठीक है। फिर आपके पास लास्ट स्पेस है जो फोर आर्म स्पेस है, उसे फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना कहते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर स्पेस है, ठीक है, जो आपको कहाँ पे नज़र आएगी, आपके फोर आर्म के लोअर पार्ट में बेसिकली डीपली आपको नज़र आएगी ये स्पेस, ठीक है। ये आपके प्रोनेटो क्वाड्रेटस के सामने और जो आपके लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स हैं उनके भी सामने आपको जो है ये फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना नजर आती है, ठीक है। दो मसल्स प्रोनेटो क्वाड्रेटस एंड लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स के सामने जो है वो आपको ये नज़र आएगी। सुपीरियर की हम देखें तो ये स्पेस जो है ये एक्सटेंड करती है टू द ऑब्लीक लाइन ऑफ द फ्लेक्सर स्टोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है, और इनफीरियरली एक्सटेंड करती है अप टू योर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और फिर ये कम्युनिकेट करती है विद द मिड पाल्मर स्पेस, ठीक है। फिर हमारे पास जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ना फ्लेक्सर सिनोवियल शीथ का, ये प्रोट्रूड जब कर जाएगा तो इनटू द फोरआर्म स्पेस, ठीक है। जो आपका फ्लेक्सर सिनोवियल शीथ का प्रॉक्सिमल पार्ट है बेसिकली ये आपके पास कभी कभी प्रोट्रूड कहाँ कर जाता है, इनटू फोर आर्म स्पेस। ये इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि आपकी जो फ्लेक्सर सिनोवियल शीथ्स होती है ना उनके जो प्रॉक्सिमल पार्ट्स हैं वो कभी कभी फोरआर्म स्पेस तक प्रोट्रूड कर जाते हैं, ठीक है। तो जो फोरआर्म स्पेस है ये इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो बेसिकली सिनोवियल शीथ्स के साथ भी रिलेटेड होता है वो इन्फेक्शन, ठीक है, क्योंकि बेसिकली सिनोवियल शीथ्स ही आगे इन्फेक्शन स्प्रेड करती हैं इनटू योर फोरआर्म, ठीक है, स्पेशली थ्रू द अल्नर बर्सा। पस पॉइंट्स आपको जो है वो फोरआर्म के मार्जिन्स के लॉन्ग नज़र आएंगे जो कि हम ड्रेन कर सकते हैं बाय गिविंग अ इंसिजन अलोंग द लैटरल मार्जिन ऑफ द फोरआर्म, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी स्पेसेस क्लियर हो गई हैं, और अब हम आगे चलते हैं, और आगे आप लोगों ने करना है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, ठीक है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व आपने याद रखनी है कि ये आपकी जो रेडियल नर्व है ना, ये आपने नर्व यहाँ बीडी से ही करनी है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व और पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी दोनों आपने यहीं से कर लेनी है, ठीक है, बाकी के मैं आपको नोट्स दे दूंगी। तो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व बेसिकली आपकी रेडियल नर्व की ब्रांच है, ठीक है, ये आपके बैक ऑफ आर्म को सप्लाई करती है, ठीक है। ये जो नर्व है ना ये क्यूबिटल फोसा से निकलती है, ठीक है, और फिर ये बिल्कुल आपकी जो लैटरल एपिकुंडाइल ऑफ ह्यूमरस के नीचे वाला जो लेवल होता है ना वहाँ तक आ जाती है, ठीक है। क्यूबिटल फोसा से निकल के ये आपकी लैटरल एपिकुंडाइल ऑफ ह्यूमरस के नीचे आ जाती है। अगर हम देखें यहाँ इस डायग्राम में तो आपको नज़र आएगा कि ये है आपकी पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व जो क्यूबिटल फोसा से निकली, ठीक है,
लैटरल एपिकोडाइल के नीचे से ये आ गई, ठीक है। और यहाँ से फिर ये हमारे पास आगे जो है वो कहाँ चली जाती है, सुपिनेटर मसल्स के दरमियान, और वहाँ से बैक ऑफ आर्म में चली जाती है। देखें यहाँ से ये इधर इस फिगर में आप देख लें, आप ये सुपिनेटर मसल के दरमियान से होते हुए ये बैक ऑफ आर्म में आ गई है, ठीक है। बैक ऑफ आर्म में आने के बाद अब ये हमारे पास डिसेंड करती है डाउनवर्ड्स, ये देखें डाउनवर्ड्स ये डिसेंड कर रही है ना, ठीक है। डाउनवर्ड सुपिनेटर मसल के दरमियान में से गुजर के डाउनवर्ड डिसेंड कर गई। उसके बाद फिर उन्होंने कहा है कि ये फाइनली एंड कर जाती है इन अ सूडो गैंग्लियन, ठीक है, जो कि आपके एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के फोर्थ कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है। ये आपके पास यहाँ पे एक्सटेंसर रेटिनाकुलम होता है ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ योर आर्म, ठीक है। वहाँ पे एक सूडो गैंग्लियन होता है, ये सूडो गैंग्लियन यहाँ पे आके आपकी ये जो पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व है आके एंड कर जाएगी, ठीक है। सो ये कोर्स था, बाकी इसकी कुछ मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास सुपिनेटर मसल है, ठीक है, तो सुपिनेटर मसल को पेयर्स करने से पहले वो कुछ ब्रांचेस देती है, तो उनमें से एक तो सुपिनेटर को ब्रांच जा रही होती है, ये सुपिनेटर को, और दूसरी एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस को जो ब्रांच है वो होती है, ठीक है। बिफोर पेयर्सिंग सुपिनेटर, इस मसल को पेयर्स करने से पहले ये दो ब्रांचेस हैं, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है, और दूसरी ये सुपिनेटर इटसेल्फ को जो ब्रांच देती है। उसके बाद जब इसने पेयर्स कर लिया सुपिनेटर मसल को, अब इसने पेयर्स कर लिया, उसके बाद जो ब्रांचेस देगी उसमें आपके पास है सुपिनेटर को ही वो दूसरी ब्रांच जो है वो ब्रांच दे देगी सुपिनेटर मसल को। उसके बाद जब सुपिनेटर मसल को क्रॉस करने के बाद जब वो नीचे डिसेंड हो जाती है, तो फिर वो तीन शॉर्ट ब्रांचेस देती है, ठीक है। एक है आपके एक्सटेंसर डिजिटोरियम को, ये एक शॉर्ट ब्रांच, दूसरी शॉर्ट ब्रांच है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी को, और तीसरी एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस को, ठीक है। उसके बाद कुछ ये हमारे पास लॉन्ग ब्रांचेस देती है, जिसमें हमारे पास एक ये लैटरल ब्रांच है और दूसरी ये मीडियल ब्रांच है, ठीक है। लैटरल ब्रांच, मीडियल ब्रांच, लैटरल फर्दर सब आगे देती है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस को, और ये मीडियल फर्दर आगे देती है आपके पास जो लॉन्ग मीडियल ब्रांच है ये हमारे पास एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस को और एक्सटेंसर इंडिसिस को देती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई। इसके अलावा कुछ आर्टिकुलर ब्रांचेस होती हैं इस नर्व की, जिसमें आपके पास रिस्ट जॉइंट को सप्लाई आ रहा होता है, ये जो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है उसको भी आपका आ रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इंटरकार्पल और इंटरमेटाकार्पल जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, उनको भी कुछ आर्टिकुलर ब्रांचेस इस पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व से आ रही होती हैं। फिर सेंसरी ब्रांचेस भी कुछ मिल रही होती हैं, ठीक है, जो कि आपके इंट्रोसियस मेम्ब्रेन जो इन दोनों बोन्स के दरमियान होता है उसको सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं पोस्टीरियर इंट्रोसियस आर्टरी, ठीक है। जो पोस्टीरियर इंट्रोसियस आर्टरी है ना, ये बेसिकली आपकी कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी जो है, ये आप कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी यहाँ देख सकते हैं, उसकी ब्रांच होती है, एक इसकी इंटीरियर इंट्रोसियस ब्रांच होती है, एक पोस्टीरियर इंट्रोसियस। तो पोस्टीरियर इंट्रोसियस आर्टरी आप देख सकते हैं दो मसल्स के दरमियान में से गुजर रही है, एक आपका सुपिनेटर मसल और दूसरा आपका है जो एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल के दरमियान में से गुजर रही है, ठीक है। ये बेसिकली जो आपकी पोस्टीरियर इंट्रोसियस है ना, आप देख सकते हैं अल्टीमेटली एंड पे आके ये वापस अपनी जो इंटीरियर एक और जो कॉमन इंट्रोसियस की ब्रांच होती है इंटीरियर और इंट्रोसियस, उसके साथ ही एनास्टोमोज कर जाती है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो ये कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी की जो स्मॉल टर्मिनल ब्रांच है जो कि पोस्टीरियर इंट्रोसियस आर्टरी है, ठीक है, ये हमारे पास पास करती है बिटवीन दिस ऑब्लीक कॉर्ड, ठीक है, और उसके बाद फिर ये मैंने आपको जो दो मसल्स बताए थे दरमियान में से गुजरती है, ठीक है। लोअर बॉर्डर जो है एक्सटेंसर इंडिसिस का, वहाँ पे ये आपके पास एनास्टोमोस कर जाती है विद दिस इंटीरियर इंट्रोसियस, ठीक है, इंटीरियर इंट्रोसियस के साथ इसने एनास्टोमोस कर दिया, ठीक है। और फाइनली ये आपके पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में इंट्रोसियस मेम्ब्रेन को पेयर्स करती है एट द अपर बॉर्डर ऑफ क्वाड्रेटस, ठीक है। इस तरह से जो है ये आपके बैक ऑफ फोरामेस सप्लाई जो है ये सप्लाई करती है बाय द इंटीरियर 10 units, यहाँ पे लिखा हुआ 10 units लोअर 1/4 द बैक ऑफ आर्म सप्लाइड बाय द इंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी, हाँ जी, क्योंकि ये एनास्टोमोस कर गई इसलिए हमारे पास बैक ऑफ आर्म का जो लोअर 1/4 है उसमें हमारे पास इंटीरियर इंट्रोसियस से भी सप्लाई आ रही होती है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। पोस्टीरियर इंट्रोसियस आर्टरी जो है ये एक ब्रांच होती है जिसे हम इंट्रोसियस रिकरेंट ब्रांच देते हैं कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी ब्रांच होती है इंट्रोसियस रिकरेंट, ये आपने इसकी एक ब्रांच याद कर लेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।